प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूंगरपुरा सांगवाड़ा माई कर रिया है जनसभा ने संबोधित, कयो कांग्रेस रा राज माई युवा वारा सपना नीविया पूरा। प्रदेश माई कांग्रेस पार्टी रा नेता भी लगातार कर रिया है चुनावी रैलियां। राहुल गांधी आज धौलपुर रा राजाखेड़ा, भरतपुर रा नदबई और गंगापुर सिटी माई करेला चुनाव प्रचार। प्रदेश माए भारत री कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी चुनाव प्रचार करियो तेज, पार्टी रा वरिष्ठ नेता प्रत्याशी रा समर्थन माए मांग रिया है वोट। मुख्य चुनाव आयोग राजस्थान विधानसभा चुनाव री तैयारियां री करी समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए चुनाव पर्यवेक्षक कासु लीनी बैठक। अर जयपुर जिला माए मतदान दिवस माते 25 नवंबर ने रेवेलो सार्वजनिक अवकाश, जिला रा सगला विधानसभा क्षेत्र माए थापित कार्यालय माए रेवेलो अवकाश। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार माए आपरो घणो घणो स्वागत, मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अबे खबरा विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो कि कांग्रेस रा राज मा युवा वारा सपना पूरा नेविया है, अठे पेपर लीक सु युवा वारो भविष्य बर्बाद वियो है। वे आरोप लगायो कि कांग्रेस राज मा हर प्रतिभाए घोटालो वियो है। प्रधानमंत्री आज डूंगरपुरा सांगवाड़ा माए चुनावी रैली ने संबोधित करता थका कयो कि केंद्र री योजना लागू करबा खातर कांग्रेस री विदाई जरूरी है, अठेरी जनता कांग्रेस रा कुशासन सु मुक्ति चावे है। आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र ने आपको कुशासन वाली इस कांग्रेस सरकार को बदलने का मौका दिया है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे ना। कभी कभार एक छोटी गलती 5 साल भुगतने के लिए मजबूर कर देती है। आपका एक वोट भी कमल के फूल के अलावा किसी दूसरे तीसरे दल को मिला तो वो सीधा कांग्रेस को ही जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं ना, वो उनकी योजना से खड़े हैं, तो ऐसी गलती नहीं करोगे ना। ये जरा घर घर जाके समझाना, ये पिछली बार भी पाप कर गए, आपको आंखों में धूल झोंक गए और इस बार नया नाम लेकर के कर रहे हैं, और इसलिए आपको याद रखना है कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल जयपुर रापर कोटा माए रोड शो कर भाजपा रा समर्थन माए मतदाताओं ने सात बारी कोशिश करी। प्रधानमंत्री रा लगभग 4.5 किलोमीटर रोड शो माए लोग वनारो फूल बरसार स्वागत करिया। इन दौरान मोटी संख्या माए लोग रोड शो माए शामिल विया। भाजपा रा वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री रा रोड शो सु जयपुर माए भाजपा ने मजबूती मिलबारो दावो कीनो। लगता है मोदी जी के ऊपर जनता का अभिमान
और जनता का प्रेम कितना है। और इतना ही मोदी जी जयपुर और जयपुर और राजस्थान के जनता के बारे में बहुत ही प्यार और अभिमान रखा है, इसलिए मुझे लगता है ये तो ये हमारा जो रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट था आने वाले था उसको ऐड हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी रा नेता भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटियोड़ा है। पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत समेत कई बड़ा नेता दिन रात चुनाव प्रचार कर रहा है। आज राहुल गांधी धौलपुर रा राजाखेड़ा, भरतपुर रा नदबई और गंगापुर सिटी में जनसभा करेला। इनके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली रा सोजत, जोधपुर रा पिपाड़ शहर और बालेसर समेत कई ठोरा माते चुनावी रैली करेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी खातर सिरोही में जनसभा ने संबोधित किया। इन दौरान वे भाजपा सरकार माथे कई आरोप लगाया। कांग्रेस में कांग्रेस रा कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहा। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। शेमदोड़ा को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सबने आप लोगों के विश्वास के आधार पर टिकट दिया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि एक ऐसा नौजवान जो तीसरी बार अनुभव आपके पास में है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका विश्वास इनके साथ में लगातार बना रहा। इन्होंने शिवरी का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करने में कमी नहीं रखी। जिस प्रकार से इन्होंने असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी जो पैरवी करी है शिरोही के विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए, हमें तो आपके सुख दुख में काम आते हैं। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी खातर केंद्र सरकारी नीतियां ने जिम्मेदार ठहरायो है। इमरान प्रतापगढ़ी काल डीडवाणारा लाडनू माए कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश भाकर रा समर्थन माए चुनावी रैली करी। इन दौरान वे राज्य सरकार री कांग्रेस सरकारी योजना वारी सराहना करी। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेब। अगर कहीं किसी झांसे में आए हुए हो उन्हें कुछ समझाइए, उन्हें बताइए कि यार इतना शानदार नौजवान युवा नेता हमें मिला। देखिए, राजस्थान की जनता से सीधे सीधे ये कहना है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दो जगह वोटिंग संपन्न हो चुकी है और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तेलंगाना जो सबसे मुश्किल स्टेट था हमारे लिए, वहां भी इस वक्त माहौल यह है कि कांग्रेस के नाम की सुनामी है, तो राजस्थान पर पूरे देश की नजरें हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता हमें इसलिए वोट करे कि हमने जो योजनाएं लागू की हैं उस राजस्थान मॉडल का जिक्र पूरे देश में, पूरी दुनिया में है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे कांग्रेस माथे प्रदेश री जनता सु वादा खिलाफी करवारो आरोप लगायो है। राजे काल सीकर माए भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जलधारी री विजय संकल्प सभा ने संबोधित करता थका कहो कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी और युवा ने रोजगार देवा जड़ा वादा अबार ताई पूरा ने करिया है। वे कांग्रेस माथे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार विकास कामा ने बंद करवारो भी आरोप लगायो। हमने भी आपके पंचायत हेडक्वार्टर्स के ऊपर 0 से लेके 20 के 12 तक आपके स्कूल्स को खड़ा कर दिया, बिल्डिंग्स ही बनाए, कंप्यूटर स्टडी भी करवाया और प्राचार्य से लेके पूरे क्लासेस के टीचर्स को खड़ा करके मैंने बनाने का कोशिश किया कि नहीं किया? क्या नहीं किया? जोरदार तरीके से 51,000 वोटों से जिताकर इनको विधानसभा के अंदर भेजने का काम करोगे तब मानूंगी कि सीकर का लोहा ये कोई है। प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी आपरा प्रत्याशी खातर चुनाव प्रचार में जुटियोड़ी है। इनके तहत पार्टी का वरिष्ठ नेता आपरा प्रत्याशी का समर्थन में जनसभा कर रहा है। काल दातारामगढ़, धौंद, सीकर, तारानगर, सादुलपुर, नौहर, श्री डूंगरगढ़ और लाडनू माए जनसभा करी जी। इन दौरान पार्टी रा महासचिव सीताराम येचुरी लोगा ने आपरा प्रत्याशी खातर समर्थन मांगियो। विधानसभा चुनाव ने लेर दूरदर्शन समाचार कानीसू खास कार्यक्रम जनादेश चलायो जा रियो है। इनके तहत खेतरा न्यारा न्यारा मुद्दा ने उठायो जावे है। आओ देखा डीडी न्यूज राजस्थान रिया खास पेशकश।
राजस्थान में भी छी चुनावी बिसात। क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह और किसको मिलेगी मात, किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान, महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस जीरो कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया उसके अंदर भी। इन सब पर बेबाकी से हम करेंगे आपसे बात। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है कि मतदान अवश्य करें, सोच समझ कर करें, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रख कर जी मतदान करें। सटीक विश्लेषण के साथ जनादेश में लोकतंत्र उत्सव विधानसभा चुनाव ने लेर दूरदर्शन सबसू शत प्रतिशत मतदान करबारी अपील करे है। लोकतंत्र माए हर एक वोटरी आपरी अलग कीमत है। सब 25 नवंबर ने मतदान कर लोकतंत्र इन उत्सव माए भागीदारी सुनिश्चित करें। करेंगे मतदान, बनाएंगे सरकार, सोच समझ कर बटन दबाना है, राजस्थान की सरकार बनाना है। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। मैं जानता हूं वोट की ताकत, मैं दूंगा वोट। कह रही राजस्थान की धरा, शत प्रतिशत हो मतदान हमारा। मतदान जरूर से करना है। एक वोट की बहुत ताकत होती है लोकतंत्र में। 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल काल राजस्थान विधानसभा चुनाव री तैयारी समीक्षा करी। इन दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र माए तैनात सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक रे साथ समीक्षा बैठक करी। बैठक माए राज्य रा मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि मतदान सु 72 घंटा पहली SOP री पूरी तरह पालना सुनिश्चित करी जावेली। करीब 50% मतदान केंद्र माथे लाइव वेब कास्टिंग की व्यवस्था भी करी जी है। और जयपुर जिला माए मतदान दिवस माते 25 नवंबर ने सार्वजनिक अवकाश रहेलो। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित कहो कि सामान्य प्रशासन विभाग कानीसू जारी आदेश री अनुपालना माए जिला रा सगला विधानसभा क्षेत्र माए सार्वजनिक अवकाश रहेलो। वे कहो कि जिला रा सगला विधानसभा क्षेत्र माए स्थापित कार्यालय माए भी अवकाश रहेलो। और भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी कानीसु आज सु जयपुर माए राष्ट्रीय संगोष्ठी रो आयोजन करियो जा रियो है। मौसम और जलवायु विषय माते आधारित इन राष्ट्रीय संगोष्ठी माए देश राज जानिया माणिया मौसम वैज्ञानिक भाग लेवेला। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर और निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि जलवायु माए वेरिया बदलाव ने लेर विशेषज्ञ आपरा विचार राखेला। आयोजन स्थल है वो बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर रहेगा और इनॉग्रल सेशन जो है वो 22 नवंबर को प्रातः 9:30 बजे यानी सुबह 9:30 बजे जो है वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। कि इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो विशेष रूप से मौसम विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठाना और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज इस फील्ड में हो रही है उनका आपस में तालमेल कर इस क्षेत्र में बेहतर मौसम और क्लाइमेट सर्विसेज को बनाना। इन साथ ही मोटी मोटी खबर एक तरफ फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूंगरपुरा सांगवाड़ा माई कर रहा है जनसभा ने संबोधित, कयो कांग्रेस रा राज मा युवा वारा सपना नीविया पूरा। प्रदेश माए कांग्रेस पार्टी रा नेता भी लगातार कर रिया है चुनावी रैलियां। राहुल गांधी आज धौलपुर रा राजाखेड़ा, भरतपुर रा नदबई और गंगापुर सिटी माए करेला चुनाव प्रचार। प्रदेश माए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी चुनाव प्रचार करियो तेज। पार्टी रा वरिष्ठ नेता प्रत्याशी रा समर्थन माए मांग रिया है वोट।
मुख्य चुनाव आयोग राजस्थान विधानसभा चुनाव री तैयारी करी समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए चुनाव पर्यवेक्षक सुली ने बैठक और जयपुर जिला में मतदान दिवस माते 25 नवंबर ने रहेलो सार्वजनिक अवकाश जिला रा सगला विधानसभा क्षेत्र में थापित कार्यालय में रहेलो अवकाश।